काफी लोग इंडिया में डाबर लाल टूथपेस्ट भी यूज करते हैं लेकिन उसमें एब्रेसिव पार्टिकल थोड़ा ज्यादा रहता है तो उसको मिनिमाइज करिए यूज करना काफी लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा ब्रश करने से दांत ज्यादा सफेद हो जाते हैं ऐसा बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है काफी लोग मीडियम और हार्ड ब्रश यूज करते हैं जो की बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए दो से तीन मिनट से ज्यादा हमको ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए उससे ज्यादा ब्रशिंग करेंगे तो हर इंडिविजुअल का टीथ कलर अलग अलग होता है किसी का हल्का ब्राउनिश किसी का ए किसी का ए शेड वाला टीथ Hey guys, back to the This is Vlogs, और आज एक टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो कि ब्रशिंग के ऊपर हम बात करेंगे तो हमारे माउथ में काफी सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि पेशेंट यूजली हमारे पास आते हैं टीथ में पेन होना या फिर टीथ में कैरीज हो जाना या फिर टीथ हिलने लगना या फिर गम से खून निकलना मसूड़े से खून निकलना या फिर हमारे मुंह से बदबू आना तो ऐसे बहुत सारे चीजें होती है कि जो कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग की वजह से होती है यूजली लोग ब्रश बहुत ही जल्दी में जल्दबाजी में करते हैं और यूजली प्रॉपर वे यूज नहीं करते हैं तो प्रॉपर टेक्निक से हमें ब्रश करना चाहिए तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमको पेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए देखिए मैं तो कोई भी पेस्ट यूज करता हूँ यूजली आई यूज कोलगेट पेप्सोडेंट मैं सब कुछ यूज करता हूँ फ्लोराइड कंटेनिंग काफी लोग इंडिया में डाबर लाल टूथपेस्ट भी यूज करते हैं लेकिन उसमें एब्रेसिव पार्टिकल थोड़ा ज्यादा रहता है तो उसको मिनिमाइज करिए यूज करना तो आप यूजली कोलगेट पेप्सोडेंट हाइड एंड प्रो वेंटेज बहुत सारे ऐसे पेस्ट अवेलेबल मार्केट है मार्केट में तो बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट को चेंज करते रहिए ऐसा नहीं कि आप एक ही पेस्ट को घिस रहे हैं बहुत दिन से तो उससे आप बोर भी हो जाते हैं प्रॉपरली आपको फ्लेवर्स भी नहीं मिलते हैं और ठीक से ब्रशिंग भी नहीं हो पाती है तो डिफरेंट डिफरेंट आप पेस्ट यूज करें खाली ये देखें कि उसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स ना हो जैसे कि अगर आप पेस्ट को अपने हाथ में ऐसे लेके थोड़ा सा आप उसको अगर आप, आप फील करें तो आपको उसमें अगर एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज लग रहे हैं खुरदुरे पार्टिकल्स तो आप उसको यूज ना करें तो उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रश काफी लोग मीडियम और हार्ड ब्रश यूज करते हैं जो कि बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए हमको सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए क्यों मैं बोलता हूँ क्योंकि जब भी हम हार्ड ब्रश यूज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है हमारे जो दांत के साइड वाला जो एरिया है सर्वाइकल एरिया जिसको बोलते हैं टीथ का वो घिस जाता है और लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद सेंसेशन होने लगता है काफी लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि एक राइट हैंड से जो राइट लोग राइटिज होते हैं राइट हैंड वाले यूज करते हैं वो एक ही साइड ब्रश करते हैं और जो लेफ्ट हैंड वाले वो एक ही साइड ऐसे ब्रश करते हैं तो हमको हमारे माउथ के सारे साइड्स में ब्रश प्रोपरली करना चाहिए बच्चों को ही इंकल्केट करना चाहिए ब्रशिंग के हैबिट जब भी ही बच्चे ब्रश करे तो उनको सर्कुलर मोशन में हमको ब्रश करना सिखाना चाहिए ये हो गया टेक्निक हम कैसे बच्चों को सिखाएं तो हमको सर्कुलर मोशन में ब्रश करना चाहिए और एडल्ट्स का भी डिफरेंट टेक्निक है वो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली हम जब ब्रश करते हैं हमको कॉन्शियस होकर ब्रश करना चाहिए टीथ के सारे सर्फेसेस में ऊपर में बाहर अंदर की तरफ प्रॉपरली ब्रशिंग के बावजूद हमारा गम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा मसूड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ब्रश से ही अपने मसूड़ों को मसाज कर सकते हैं तो ब्रशिंग जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद हमको मसूड़ों को भी मसाज करना है और कैसे मसाज करना है अपने फिंगर्स प्लेन फिंगर्स से आप अपने सारे मसूड़े पे अपने फिंगर्स को चलाएं और ब्रशिंग जब भी करें उसको हम मॉडिफाइड बास टेक्निक से हम कर सकते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक का आप डेमो देख सकते हैं उसमें एक एंगल बनाते हैं हम गम्स और टीथ के जंक्शन पे और धीरे धीरे स्ट्रोक्स लेते हैं ट्वेंटी टू थर्टी स्ट्रोक्स ऑन ईच साइड तो ब्रशिंग का टाइम कितना होना चाहिए दो से तीन मिनट से ज्यादा हमको ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए उससे ज्यादा ब्रशिंग करेंगे तो क्या है कि टीथ को हार्म होगा टीथ घिस जाते हैं तो काफी लोग क्या होते हैं घंटों घंटों आधे घंटे तक ब्रश करते रहते हैं जो की गलत है टू टू थ्री मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए और दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए सुबह में उठने के बाद ही और रात में खाने के बाद ये दो टाइम होता है जब हमको ब्रश करना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो बैक्टीरिया माउथ में सबसे ज्यादा जम जाते हैं और उस टाइम पे अगर हम प्रॉपरली उठ के अगर हम ब्रश करते हैं तो रात भर का जो बैक्टीरिया रहता है हमारे माउथ में उसको हम क्लीन कर लेते हैं तो इससे हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं मुंह में हमारे सड़न दांतों में सड़न मुंह की बदबू और जितना भी हमारे दांतों में हिलना तो जितना प्रॉपरली आप ब्रश करेंगे दिन में दो बार उतने अच्छे से आपकी दांतों की लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी ब्रशिंग के साथ और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं देखिए ब्रश क्या करता है कि हमारे ऊपर सुपरफिशियल सरफेस को क्लीन करता है लेकिन दो दांतों के बीच वाले एरिया को साफ करने के लिए हमको फ्लॉस यूज करना चाहिए बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में सेवेंटी एटी रूपीज का फ्लॉस आता है वो एक धागे जैसा होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होते हैं फ्लॉस पूरा थ्रेड जैसा फ्लॉस होता है देन इंटरडेंटल फ्लॉस होता है या फिर हम वाटर फ्लॉसर भी यूज कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन बहुत ज्यादा वाटर फ्लॉसर मतलब कि एक डब्बा होता है उसमें बैटरी होती है और उसमें पानी भर के एक नोकेली एरिया से पानी निकलता है जिससे हम अपने टीथ के अंदर वाले एरिया को क्लीन कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं प्रॉपर टेक्निक आप वीडियो देख सकते हैं तो इस तरीके से ब्रश करिए और जरूर आपके टीथ में चेंज आएगा काफी लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा ब्रश करने से दांत ज्यादा सफेद हो जाते हैं हल्का ऐसा बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ऐसा कभी भी नहीं होता है क्योंकि हर इंडिविजुअल का टीथ कलर अलग अलग होता है किसी का हल्का ब्राउनिश किसी का ए किसी का ए शेड वाला टीथ होता है तो इसका मतलब ये नहीं की अगर आप उसको बहुत ज्यादा घिसेंगे तो दांत व्हाइट हो जाएंगे आपका ऐसा नहीं है टीथ के सुपरफिशियल सरफेस जो होती है वो इनामिल होती है थोड़ी व्हाइटिश होती है वो अंदर वाली लेयर डेंटिन होती है तो वो थोड़ी येलोश होती है किसी में इनामिल का कंटेंट ज्यादा होता है तो फिर वो ज्यादा व्हाइट दिखता है किसी का नेचुरली येलो होता है टीथ बहुत लोगों को फ्लोरोसिस होता है जिसमें हमारे माउथ के दांतों के ऊपर ब्राउनिश टेन्स हो जाते हैं तो वो ब्रश करने से भी नहीं जाते हैं तो इन टाइप के लोगों में क्या होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा ब्रश करते हैं तीन चार बार ब्रश करते हैं फिर भी उनके दांत व्हाइट नहीं होते हैं तो ब्रश होता है कि बैक्टीरिया ओवरऑल फूड डेबरिस जो हमारे माउथ में कलेक्ट हो जाता है डिफरेंट फूड की वजह से उसको क्लीन करता है ऐसा नहीं कि दांत का कलर चेंज हो जाए दांत का जो नेचुरल कलर है वो मेंटेन रहता है आपका प्रॉपरली ब्रश करना प्रेशर कितना देना है प्रेशर हमको देना है जब हम पेंसिल से लिखते हैं जितना प्रेशर देते हैं ना पेंसिल से लिखने का टाइम उतना ही प्रेशर से हमको ब्रश करना चाहिए ऐसा नहीं कि हम बहुत जोर से दबा दबा के ब्रश करना चाहिए हर तीन महीने में हमको ब्रश चेंज करना चाहिए आजकल मार्केट में बहुत टाइप ऑफ ब्रश आ गए हैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश आ गए हैं तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश मैं प्रेफर नहीं करता हूं क्योंकि यूजुअली इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो होता है साइकेट्रिक पेशेंट्स या फिर बहुत ओल्ड पेशेंट्स या फिर न्यूरोप्लास्टिक पेशेंट्स जिनको उनका हाथ हिल रहा है या फिर पार्किंसोनिज्म डिजीज जो कि हैंडीकैप पेशेंट होता है उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश सही है नॉर्मल लोगों के लिए उसका कॉस्ट भी ज्यादा है फिफ्टीन हंड्रेड के आसपास है नॉर्मल ब्रश तो पचास रुपए में मिल जाता है आपको तो नॉर्मल ब्रश यूज़ करें आराम से और दिन में दो बार ब्रश करें ज्यादा प्रेशर ना दे दांतों तो के ऊपर ब्रश करने का टाइम तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा आई होप यू लाइक इट थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिला होगा तो अगर आप मेरे इंस्टा चैनल को फॉलो नहीं करते तो इंस्टा चैनल को जरूर जाके फॉलो करिए साई एंडर्स को डेंटल टिल देन टेक केयर ब बाय